नेक्स्ट स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, हेलो अल्केन पार्ट 3। इसमें ये क्वेश्चन को थोड़ा आप पढ़ लीजिए, लेंदी क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए क्या दिया है। इसमें क्या है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इसमें सारी चीज करेक्ट होगा, एक को छोड़ के सारी चीज करेक्ट होगा। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इसी टाइप का क्वेश्चन को आप जब नहीं सॉल्व करेंगे तो इसमें पता नहीं चलेगा कौन स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, कौन स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट। सॉल्व तो करना पड़ेगा, इसीलिए सॉल्व तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये कंपाउंड है CH CH3 CH CH2 प्लस HBr। बोल दिया ऊपर में एडिशन रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। HBr ये एक एसिमेट्रिक की डबल बॉन्ड यही इधर है। ये बिल्कुल आप लोग को पता चल जाता है कि ये मार्कोवनिकोव से रूल के हिसाब से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। जब ये मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता है ना, ये हाइड्रोजन आटम जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन आटम है इसीलिए, और ब्रोमीन जाता है जहाँ कम हाइड्रोजन आटम है। इसमें क्या है ना, आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है ना एच प्लस, इसमें एच प्लस हो जी इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। ये कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, कंपाउंड CH CH3 CH CH3 और इसमें प्लस चार्ज रहेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये कौन सा कार्बन आटम, ये सेकेंडरी कार्बन आटम एंड सेकेंडरी कार्बन कैटायन। अच्छा ये पॉसिबल हो सकता है क्या, इसको टर्शियरी कार्बन कार्बो कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए पॉसिबल हो सकता है क्या? हो सकता है। कैसे होगा ना, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट कराइए, हाइड्राइड को इधर शिफ्ट कराइए। शिफ्ट कराने से क्या रहेगा, ये CH3 और ये बाकी रहा CH2 CH3, ये आपका हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। हाइड्राइड शिफ्ट जब हो गया, यही आपका टर्शियरी कार्बो कैटायन निकल गया। और इसमें हम लोग को पूछा गया था, इसमें हम लोग का दो क्वेश्चन जो है ना सामने में, दो जो स्टेटमेंट है ना, इसमें दो स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएगा। इज फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, फॉलो हुआ, क्योंकि एच प्लस एक विच एन इलेक्ट्रोफाइल ये ऐड हुआ। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, दैट मीन्स द स्टेटमेंट ए इज ट्रू। इसको आप ट्रू में लीजिए। मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट इज द कार्बो कैटायन, दैट इज CH CH3 CH प्लस CH3। वो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बो कैटायन हो चाहिए है, लेकिन हम लोग का निकला कौन, सबसे ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बो कैटायन कौन निकला, CH3 CH3 C प्लस CH2 CH3। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है क्या, ना ये फॉल्स है। यहीं से हम लोग का आंसर तो हो गया, लेकिन ये तो लेवल बने IIT लेवल का क्वेश्चन है, उसमें मैंने दो ठो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग को फाइनली सारी एक वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। फाइनल प्रोडक्ट इज दिस मच, ये फाइनल प्रोडक्ट देखिए, इसमें ये हो गया आपका कार्बो कैटायन, उसके बाद तो कौन अटैक करेगा, इसमें क्या कौन अटैक करेगा ना आपका, मैं थोड़ा रिवर्स करके लिखता हूँ, इसमें ब्रोमीन Br- अटैक करेगा। Br- अटैक करने से प्रोडक्ट क्या होगा, CBr CH3 CH2 CH3। वो बोल रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट इज दिस, ये CH2 को आप CBr अब CH3 को होल टू में लिख सकते, ये दोनों को होल टू में लिख सकते, कोई बात नहीं, फाइनल प्रोडक्ट इज दिस, ये स्टेटमेंट ट्रू ट्रू। अभी तक एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकला, इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड फाइनल प्रोडक्ट इज दिस। इसको हम लोग चेक करेंगे, ये टोटल जो है ना एक रिदिम में चल रहा था, ये बिल्कुल
अलग एक रिदिम को आ गया। ये मार्कोव निकोव रूल किसे चल रहा था, इसको अभी एंटी मार्कोव निकोव रूल के हिसाब से आ गया। एंटी मार्कोव निकोव रूल, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट बोला जाता है, इसको भी खराश इफेक्ट भी बोला जाता है, तीनों इसका नाम है। इसीलिए पेरोक्साइड जब आ जाएगा ना, इसका जो रिदिम बिल्कुल चेंज होगा। इसका रिदिम क्या होगा, इसका रिदिम चेंज हो गया। CH3, ये CH है, ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस प्लस, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन रिएक्शन हम करेंगे H+। इसमें जो एंटी पेरोक्साइड इफेक्ट, क्यों इसको एंटी पेरोक्साइड इफेक्ट बोला जाएगा ना, ये बेंजोल पेरोक्साइड इसमें दिया गया, ये बिल्कुल पेरोक्साइड इफेक्ट हो गया, बा एंटी मार्कोव निकोव रूल के खिलाफ हो गया, बा खारस इफेक्ट हो गया। इसमें क्या है ना, ये हाइड्रोजन एटम कहाँ जाएगा आपको मालूम है, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन एटम था वो मार्कोव निकोव रूल के हिसाब से जा रहा है, जहाँ कम है वहीं जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, एक CH3 CH3 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ये हो गया CH2, बाकी रहा ये CH2 प्लस। उसमें ब्रोमीन जो है ना, आपका ब्रोमीन जो है ना, यहीं से फ्री ब्रोमीन ऐड कर देता हूँ, फ्री ब्रोमीन Br- ऐड होगा। Br- ऐड होने से क्या रहेगा प्रोडक्ट, CH CH3 CH2 CH2 Br। ये पूछ रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट इज दिस, ये इसको हम लोग को ये दोनों को स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट के अंदर में ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 होल टू CH, अच्छा इसमें CH2 Br। ये पूछ रहा है फाइनल प्रोडक्ट इज दिस, ओके फाइनल प्रोडक्ट, हाँ इन द प्रेजेंस, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोल पेरोक्साइड फाइनल प्रोडक्ट दिस, ये फाइनल प्रोडक्ट है CH3 2 CH CH2 Br। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली वन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, हियर क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू टेल्स हुईज कैन नॉट अंडरगो ई टू रिएक्शन, ए बी सी डी। अच्छा केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या है ना, एक सब्सटेंस दोनों तरीके से रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन उसमें देखा जाता है कि कौन ज़्यादा फेवरेबल और किसी में ज़्यादा यील्ड होता है, ये देखा जाता है, और एक एक रिएक्शन में बिल्कुल दूसरा का गुंजाइश ही नहीं होता है। ये इसीलिए बस एक क्वेश्चन है, व्हिच कैन नॉट अंडरगो ई टू रिएक्शन, वो मैंने ई टू रिएक्शन का इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, समझ रहे, ई टू रिएक्शन हो सकता है नहीं तो एस एन रिएक्शन हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं तो एलिमिनेशन। एक इसमें एक रिएक्शन है जिसमें बिल्कुल ई टू रिएक्शन का कोई गुंजाइश नहीं, मीन्स उसमें ये एक रिएक्शन, देखिए ना ये एक रिएक्शन, उसमें भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, इसमें एलिमिनेशन भी हो सकता है, इसमें भी ऐसे ही एक प्रॉपर्टी है जिसमें एलिमिनेशन भी हो सकता है सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, लेकिन देखा जाता है कि कौन ज़्यादा फेवरेबल और किसी में ज़्यादा प्रोडक्ट यील्ड होता है, और एक एक केस में बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहता। ये एक आप एक रिएक्शन देखिए, ये बिल्कुल इसमें ई टू रिएक्शन नहीं होगा, ई टू रिएक्शन ये ऑप्शन ये ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें ई टू रिएक्शन का कोई गुंजाइश नहीं। क्यों ऐसे मैंने बोल दिया कि गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो कंडीशन ना, ये 100% फुलफिल करता है। बी आर जो है ना एंड में रहना चाहिए, कहाँ ना फ्री एंड में रहना चाहिए, ये बिल्कुल फ्री एंड में। आप देखिए तीनों टक तीनों दो, अब इसको छोड़ के दो ऑप्शन देखिए, इसमें बीच में है, ब्रांच एंड में है, ब्रांच में इसी में एक जो है जिसमें ये फ्री एंड में है, इसीलिए आंसर आपका एक ही बने, जो क्राइटेरिया वही क्राइटेरिया को पकड़ के हम लोग सिद्धांत में पहुंच जा रहे हैं, वी आर अराइविंग एट ए कंक्लूजन दैट दिस इज द राइट ऑप्शन, फ्री एंड में है और ब्रांच जो है ना वो भी नज़दीक में नहीं है, वो भी डिस्टेंस में है, सब कुछ इसका फॉर्म है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, इसका सिंपल मीनिंग है कि ये चारों हैलोजन है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन आयन है, इसमें कौन सा जो आयन जो है ना अच्छा न्यूक्लियोफाइल, और उसका डिक्रीजिंग जो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, यही तो सिंपली इसका इंटरप्रिटेशन है ना। इसको हम लोग को कैसे इंटरप्रिटेशन है, न्यूक्लियो मैंने मेरा जो आपको ट्रिक से न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल्स, ये न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स इसको क्या चाहिए, एक प्रोटोन चाहिए इसको, ये न्यूक्लियोफाइल क्या बोला था, इसको एक न्यूक्लियस चाहिए, वो एक प्रोटॉन चाहिए, इसको एक प्रोटॉन चाहिए, मीन्स इसको क्या चाहिए, एक गेन ऑफ प्रोटॉन, यही तो बात है ना। इसको आप दूसरा हिसाब से लिखेंगे, इसको लॉस ऑफ गेन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वलन टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो चीज है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए ना, ये चारों हेलोजन आयन है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी में ज़्यादा फैसिलेट होता है, इजीली वो लॉस कर सकता है, वो कौन इसमें है, ये आयोडीन आयन में है, क्यों आयोडीन आयन, ये बहुत बड़ा लार्ज आयन, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सब बहुत दूर में है, इसका कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसीलिए आई माइनस आई माइनस इज आ इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, ये अच्छा जो न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो तो इजीली दे सकता है, इसीलिए आपको ये जो जो ये जो आप आपका ऑर्डर निकालने में कोई मुश्किल नहीं, ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, उसके पीछे में रहेगा बी आर माइनस, उसके पीछे में रहेगा सी एल माइनस, उस सबसे नीचे में रहेगा एफ माइनस, इसीलिए द राइट आंसर इज दिस, दिस इज द ट्रिक क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ये ऑर्डर दिया गया, ये चारों ऑप्शन को थोड़ा देख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस ऑर्डर और आंसर क्या होगा। देखिए ना, ये बड़ा बहुत बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ पेचीदा नहीं है, लेकिन मैं इसको देने का कारण है कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा इसके बेसिस पर, और उसमें थोड़ा ट्विस्ट है, इसीलिए मैं इसको दिया है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसी में होगा, ये कार्बन है, सब में कार्बन है कॉमन, सब में देखिए ना कार्बन कॉमन है, लेकिन ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसी में डिफरेंस है, सबसे छोटा साइज जो है, सबसे छोटा साइज जो है वो कार्बन के साथ छोटा बॉन्ड बनाएगा, जो छोटा सबसे छोटा जो है वो कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उससे वो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, ये एक ही पॉइंट का आंसर है, जो बड़ा है वो कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वो बॉन्ड लेंथ जो बड़ा होगा, क्योंकि वो तो बड़ा एटम है, दूर में है ना, वो बड़ा एटम है, वो उसका न्यूक्लियस के अराउंड में जो मैंने सेल सब सेल जो है ना मैंने बड़ा है, वो तो दूर में रहेगा, दूर में रहेगा तो बॉन्ड लेंथ तो क्या है, इसका न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंस में जो डिस्टेंस है, जो ज़्यादा दूर में रहेगा उसके मैंने उसका बॉन्ड लेंथ है जो है ना आपस में जो बॉन्ड लेंथ है वो तो बड़ा रहेगा ज़्यादा रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत ये वाली बात नहीं है, सबसे कम छोटा बॉन्ड लेंथ इसमें है, उसके बाद थोड़ा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसी में है, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ये चारों ऑर्डर, इसमें बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, ये जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फर्स्ट ये बॉन्ड डाइपोल मोमेंट होता है, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट मीन्स वही डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट मीन्स चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस मीन्स क्या है, बॉन्ड लेंथ, चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ, सिंपली इसका जो हिसाब है ना आप देखिए, जो मैंने सब में तो कार्बन है,
जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कार्बन के साथ जो अटैच होता है ना, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है। अपने तरफ जो जितना अपने तरफ खींचेगा वो बॉन्ड जो है ना उतना पोलराइज हो जाएगा एंड बॉन्ड डाइपोल मोमेंट उतना बड़ा होगा। इसीलिए ये तो क्लियर आंसर है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपना तरफ से बॉन्ड पेयर को खींच लेगा। जब खींच लेगा सबसे ज़्यादा माने पोलराइज वही होगा एंड बॉन्ड डाइपोल मोमेंट वही होगा। इसीलिए आंसर क्या होना चाहिए, जो ये पूछा है कि इंक्रीज ऑर्डर में सबसे कम माने पोलराइज कौन है, ना जो कम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कार्बन के साथ अटैच है उसी से स्टार्ट होगा। सबसे कम सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम है आयोडीन, आयोडीन इसमें अटैच है, ये इसका मतलब ये सबसे कम पोलराइज होगा। सबसे कम पोलराइज मीन्स सबसे बॉन्ड डाइपोल मोमेंट इसी का कम होगा। ये आंसर यही होना होगा, सी आई सी बी आर यही होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है ना, इसमें कहानी में ट्विस्ट है, ये आंसर आपका नहीं होगा। आंसर होगा क्या मालूम है, कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा ये वाला। क्यों ना, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, मैं इसको एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। बॉन्ड डाइपोल मोमेंट क्या है ना, चार्ज इंटू चार्ज इंटू बॉन्ड लेंथ, यही तो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। ये जो आपका नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, वो एक रिदिम से होता है, एक प्रोपोर्शनेटली होता है। मैं चारों आटम का एक सपोजिशन दे रहा हूँ, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, आयोडीन। सपोज इसका चार्ज जो है ना 5, इसका चार्ज 3, क्योंकि ये अपने तरफ से ज़्यादा खींच लेता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा रहेगा। 5 4 3 2 1, एक प्रोपोर्शनल हिसाब से कम होता है, ऐसा नहीं कि ये 5 ये 4 ये और कम हो जाएगा, एक प्रोपोर्शनल हिसाब से रहता है। अब बॉन्ड लेंथ जो है सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसके पास है, वो भी प्रोपोर्शनल से बॉन्ड लेंथ टूअर्ड से आयोडीन इंक्रीज करेगा। मान के चलिए इधर मैंने 2 ले लिया बॉन्ड लेंथ, ये 2.4 होना चाहिए, ये 2.8 होना चाहिए, ये 3.2 होना चाहिए। इसका जो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट मैं यहीं लिखता हूँ, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ये 5 × 2 = 10, ये कितना होगा 9.6, ये कितना होगा 8.4, ये कितना होगा 6.4। और सबसे ज़्यादा बॉन्ड डाइपोल मोमेंट किसका हो गया ना, फ्लोरीन का, कार्बन फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा बॉन्ड डाइपोल मोमेंट आज पर हिसाब के हिसाब से ये आंसर हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या है ना, ये जो बॉन्ड लेंथ क्लोरीन और फ्लोरीन में जो बॉन्ड लेंथ है ना वो प्रोपोर्शनल, जैसे ये 2.4 होने से ये 2 पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा डाउन कर जाता है, 20 to 30% डाउन कर जाता है। ये 2, ये प्रोपोर्शनल जो डिक्रीज कर करके 2 में पहुँचा ना, ये उतना नहीं रहता, ये मैंने बहुत डिक्रीज हो जाता है। लगभग ये कितना 9.1.9 तक तो पहुंच जाता है, बहुत डिक्रीज हो जाता है। जब ये मैंने एक्चुअल जो मैंने जो एस्टिमेशन से भी ज़्यादा वो डिक्रीज होता है, ये 1.9 तक पहुंच जाता है। जब 1.9 तक पहुंचता है इसका वैल्यू देखिए कितना हो गया 9.5। जब 9.5 हो गया इसका बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, ये क्लोरीन का सी 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 एल का और सी फ्लोरीन का, इसमें थोड़ा देखिए क्या हो गया, इसमें कौन आगे जाएगा ना, क्लोरीन सी सी एल पहले जाएगा और उसके बाद सी एफ उसके बाद में आएगा, और बॉन्ड डाइपोल इसमें कहानी में ट्विस्ट है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर SNO रिएक्शन। इसमें SN रिएक्शन मीन्स कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन ये तीनों में किसी में किसी केस में ज़्यादा स्टेबल है, क्वेश्चन यही है, और वो स्टेबिलिटी को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, यही क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन है। देखिए ना, ये नंबर 1 में इसमें कार्बोकैटायन जो है आपका क्या है, ये सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन, इधर जो है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन, और इसमें जो है ये कार्बोकैटायन जो है ना वो कौन सा प्राइमरी कार्बोकैटायन। लेकिन ये थोड़ा हटके क्या है ना, ये ऐसा टाइप का कंपाउंड है,
ये है सी एच टू प्लस कार्बोकाइटन जो बना दे सी एच टू एंड इसमें एच थ्री सी ओ, एच थ्री सी ओ इसमें यही लगा हुआ है। मैंने बार बार बोल चुका हूँ जो कार्बोकाइटन हुई इच रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड वो सबसे आगे में रहेगा, वो बाजी मार लेता है, वो सबसे आगे में रहेगा। जो सब सबसे आगे में रहेगा इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये सबसे आगे में रहेगा। और पूछा है क्या कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करने के लिए, जब सबसे आगे में रहेगा थ्री, इसको थ्री को यहीं मैंने लिख दिया। नेक्स्ट में कौन आएगा, नेक्स्ट में इविजुअली आपको सेकेंडरी आएगा, इसमें सेकेंडरी, उसका पहले उसके बाद कौन आएगा प्राइमरी, इसीलिए इसका आंसर जो है ना आपका किधर गया, ये फर्स्ट है जी सेकेंडरी, ये आंसर है आपका। आपका ये सेकेंडरी, ये टू वन टू थ्री कहाँ है ऐसे। हाँ इसमें क्या है ना आपका, हमें थोड़ा इसमें ये वन है, वन टू वन थ्री, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने में, कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव काइरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव हाँ काइरल, यही तो चीज है ना। काइरल कार्बन आटम किसी को बोला जाता है ना, जो कार्बन आटम चारों ग्रुप व आटम उसके साथ अटैच जो है ना वो डिफरेंट होना चाहिए। मीन्स ये सी कार्बन आटम होगा तो इसके साथ जो अटैच है ये एक्स वाई जेड, ये चारों अलग अलग होना चाहिए, तब होगा ये काइरल। सपोज इसमें कोई एक ग्रुप सेम रहेगा तो ये आ काइरल हो जाएगा, आ काइरल मीन्स ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है कौन नहीं है ये क्लियर है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो कंपाउंड है बोल रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन, इसको हाइड्रोजनेशन कराइए। जब आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे ये कंपाउंड क्या होगा, सी एच थ्री कुछ नहीं, खाली डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये एच ए बी आर, ये जो हाइड्रोजनेशन होने के बाद यही रहा। अभी बताइए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव की ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये कार्बन आप मान के चलिए, इसमें जो ग्रुप आटा जाए ये के ब्रोमीन हाइड्रोजन मिथाइल और सी एच टू, सी एच ये जो है ना सी एच टू सी एच थ्री, ये आपका इथाइल सी एच टू सी एच थ्री, चारों ग्रुप अलग अलग है, ये काइरल है, काइरल मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव। ये केस में आइए, ये केस में क्या होगा, ये तो कंपाउंड, ये तो हाइड्रोजन, ये कंपाउंड है, ये ब्रोमीन है, इसमें आप हाइड्रोजन से कराने से क्या होगा, यही कंपाउंड तो बनेगा ना, ये कंपाउंड बन जाएगा, ये कंपाउंड जो बनेगा इसमें तो हाइड्रोजन है ना, इसमें ये काइरल सेंटर, कार्बल सेंटर में देखिए क्या क्या लगा हुआ है, इसमें ब्रोमीन या हाइड्रोजन, ठीक है दो ग्रुप डिफरेंट, लेकिन इसमें जो है ना इसमें देखिए ये जो लगा हुआ है ये सेम ग्रुप लगा हुआ है, डिप्टेशन ये दोनों समान है, हो गया काइरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। नेक्स्ट केस में देखिए, इसको हाइड्रोजनेशन कराइए, हाइड्रोजनेशन करने से क्या होगा, ये सी एच थ्री, ये हाइड्रोजनेशन करने से ये हो गया सी एच थ्री, ये हो गया एच हो गया, ये बी आर हो गया, ये सी एच थ्री हो गया। अभी इसको देखिए, इसमें ये काइरल सेंटर है, इसमें एच लगा हुआ है, बी आर लगा हुआ है, सी एच थ्री लगा हुआ है, और ये जो है ना पूरा डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, ये ताहले ये क्या हो गया, ये काइरल चारों डिफरेंट लगा है, ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आया, इसको हाइड्रोजनेशन करेंगे, यही तो हाइड्रोजनेशन होगा, CH3। ये हो गया Br, ये हो गया H, ये हाइड्रोजनेशन होने के बाद W1 निकल गया। इसमें देखिए ये कायरल सेंटर है, ब्रोमीन एक है, हाइड्रोजन है, दोनों डिफरेंट है। ये जो लगा हुआ है ये क्या है, ये भी अलग है, ये CH अलग नहीं, ये CH3, ये जो है ये भी वही है, इसीलिए ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ना। आंसर क्या हो गया, पूछा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा है, हम लोग को चाहिए ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें आंसर क्या रहेगा, आंसर इज योर बी, ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव और सब ऑप्टिकली एक्टिव, आंसर इज बी एंड डी। ये 2015 एडवांस में पूछा गया था IIT में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इथिलीन क्लोराइड, वो पूछ रहे हैं कि इथिलीन क्लोराइड इज एन विसिनल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, एलालिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, यही पूछा है। इसमें भारी चीज़ है कि ये इथिलीन क्लोराइड देखने में कैसे है, इसका स्ट्रक्चर के, फर्स्ट पॉइंट, ये ऐसा ही होता है, CH CL3, इधर CL, इधर CL, ये हो गया इथिलीन, यही इसमें भारी चीज़ है, इथिलीन क्लोराइड, ये आपका इथिलीन क्लोराइड। और बाकी जो है ना, हम लोग इसका आंसर पाने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये चारों ऑप्शन को एनालिसिस कर देंगे। एनालिसिस जब करेंगे ना, ऑटोमेटिक ही आंसर आपके सामने में दिखेगा। ये विनिलिक डाइहैलाइड, ये विनिलिक डाइहैलाइड, इसको ये है विनिलिक डाइहैलाइड, और ये हो गया एलिलिक डाइहैलाइड, और जेम डाइहैलाइड हो गया, वो हम बाद में बताएंगे। विसिनिक डाइहैलाइड हो गया CH2, CH2, ये CL रहेगा, इधर CL रहेगा, ये हो गया विसिनिक डाइहैलाइड, और रहेगा जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड इसी टाइप का, मीन्स दो हैलाइड ग्रुप एक कार्बन के साथ है एट ए टाइम में अटैच है, ये दोनों CL ग्रुप। इसमें क्या है ना, इसमें CL ग्रुप है लेकिन वो डिफरेंट एडजेसेंट, विसिनिटी माने नज़दीक, विसिनिटी है, विसिनिटी से विसिनिक डाइहैलाइड हुआ है, ये इसी का विसिनिटी, ये इसका विसिनिटी, इसके साथ CL लगा है, इसके साथ CL लगा है, ये विसिनिटी डाई, ये जेमिनल डाइहैलाइड, मीन्स एक कार्बन के साथ दो हैलाइड अटैच है, और ये विनिलिक डाइहैलाइड, ये कहाँ कुछ दिख रहा है कि एलाइलिक और विनिलिक, इसमें डबल बॉन्ड है क्या, ये दोनों ऑप्शन तो यहीं से निकल गया। और रहा विसिनिक डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड, विसिनिक डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है ना, हैलाइड दोनों एडजेसेंट कार्बन के साथ लगा होता है, ये भी नहीं है, और जेम क्या है ना, एक कार्बन के साथ दो हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये इथिलीन क्लोराइड में, यही आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो, ए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ मोस्ट स्टेबल टू लीस्ट स्टेबल, जो मोस्ट स्टेबल पहले आएगा उसके बाद डिक्रीज ऑर्डर होगा। अच्छा, ये जो पांच ऑप्शन आप लोग को दिख रहे हैं, इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा तो वो तो सबसे पहले है, इसीलिए इसको इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, और कोई कंजुगेशन है वो भी नहीं है, बाकी जो है रहा ना प्लेन रहा सेकेंडरी टर्शियरी का और प्राइमरी का मामला, ये प्राइमरी है, इसमें सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, उसी में हम लोग को अरेंज करना है। सबसे जो स्टेबल है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे जो स्टेबल है वो पहले आएगा, और टर्शियरी सबसे स्टेबल है वो पहले आएगा, इसका मतलब 3 फर्स्ट आएगा, तो उसके बाद आएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी में से 2 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, इसलिए दोनों में कोई भी आगे आएगा भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 ये इसके साथ सम इक्वल है, A5 है, ये आ गया। इसके बाद प्राइमरी आएगा, प्राइमरी इसमें 1 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है,
वन को लाइए और फोर को भी लाइए। ये हो गया आंसर बिल्कुल अब सामने में, ये जो यही आंसर सामने में। नेक्स्ट क्वेश्चन,